नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। आज आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की बैठक हुई है, इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां आए हैं। इन महिलाओं ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है और इसके साथ ही इन महिलाओं ने तेजस्वी यादव को भरोसा दिलाया है कि महिला वोट बैंक किसी की बपौती नहीं है। हम बात करते हैं, नमिता नीरज जी हमारे साथ हैं और इन्हें आज महिला विंग का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। नमिता जी, बताइए कि क्या कुछ आज आप लोगों ने, जो महिला प्रकोष्ठ की बैठक हुई है, क्या कुछ संकल्प लिया है? जी, हम लोगों ने महिला प्रकोष्ठ के लिए संकल्प में लिया है कि हम लोगों को 2020 का आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी भाई जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर रखना है इस बार जी। और हम लोगों ने, आज सभी बहनों ने मिलकर यहाँ पे शपथ ग्रहण लिया है सभी के साथ मिलकर कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग भारी से भारी मतों में और जितनी से जितनी संख्या, जो हमारी आधी आबादी है, हम सभी मिलकर इस बार 2020 में तेजस्वी भाई को भी मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार का। ये बताएं कि जिस तरह तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में महिलाओं के मान सम्मान, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड जैसे तमाम मुद्दों का जिक्र किया, साथ ही कहा कि हम आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे, कितना आसान्वित हैं आप तेजस्वी यादव जी के भाषण से? जी, हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं क्योंकि आज आप देख सकते हैं जितना भी अभी कांड हो रही है, कांड के साथ साथ आप देखिए जो कि इस बार की वैश्विक महामारी हुई है, सभी में पूरी तरह से तेजस्वी भाई का ही योगदान रहा है। और जो कि बालिका गृह कांड हुआ उसमें उन्होंने भी अपनी पूरी भागीदारी दिखाई और राजद की सभी महिलाओं ने भी उसका समर्थन किया। हम लोगों ने उस समय भी बढ़ चढ़कर रोड पे हिस्सा लिया था, उसका विरोध किए थे हम लोगों ने। आज उसका फल स्वरूप हम लोगों को सभी को देखने को मिला। आज तेजस्वी भाई ने जो भी बोला है उनसे हम लोग पूरी महिलाएँ पूरी तरह से संतुष्ट हैं। जिस तरह से आरजेडी पे लगता है कि एक परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है, लेकिन जिस तरह से आपको प्रमोट किया गया है, आज आपको लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है और आने वाला दिन आरजेडी का होगा? जी बिल्कुल, आने वाला दिन आरजेडी का ही होगा, इसमें कोई परिवारवाद की बात नहीं है। राजद में काम को देखते हुए ही लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। आज मुझे जो कि प्रदेश महासचिव से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, मैंने जब से चार या तीन साल मैंने पार्टी ज्वाइन किया है, मैंने अपने बाढ़ विधानसभा में, मतलब राजद के, ये हमारे जो लालू जी की जन्मदिन हो या हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण हो या हमारे पार्टी के ये सभी प्रोग्राम हो, मैंने अपने बाढ़ विधानसभा में पूरे भारी से भारी सभी मतों से लेकर सभी महिलाओं के साथ में हम लोगों ने उसका, मतलब अपने पार्टी को समर्थन किया है। सभी ने मेरे कामों को सराहते हुए आज मुझे मेरी प्रदेश की अध्यक्ष उर्मिला दी के द्वारा मुझे पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। महिलाएं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितनी तैयार हैं? आप लोग कितनी तैयार हैं? 100% जी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार? बनेंगे, निश्चित बनेंगे। हम लोगों का जुनून, जज्बा है और मेहनत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से कुछ लोग समझते हैं कि महिला वोट बैंक पे सिर्फ हमारा अधिकार है, तो क्या ये जो सोच है वो टूटेगा? आने वाला चुनाव में पता चल जाएगा कि महिला किसकी है और तेजस्वी यादव की है कि किसी और की है। हम सब महिलाएं एकजुट होकर, और आज ये आज का जो महिला संकल्प दिवस था, इसमें हम सभी संकल्पित होकर जा रहे हैं कि हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव को ही सिर्फ मुख्यमंत्री बनाना है और बिहार में किसी को नहीं आने देना है। जिस तरह से जुल्म अत्याचार महिलाओं पे हुआ है इन 15 सालों में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सरकार में महिलाओं पे अत्याचार को अनदेखा किया गया है। केस होने के बावजूद भी किस तरह से नज़रअंदाज किया गया महिलाओं की समस्याओं को लेकर, रोजगार को लेकर, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज़ को दबाने का कोशिश की गई है। इसी यही सब हम सभी काफ़ी जुल्म का, मतलब क्या बोलते हैं, जुल्म से उब चुके हैं,
उब चुके हैं, इसी को संकल्प लेकर हम लोगों ने यहाँ आने का काम किया है और इस बार निश्चय संकल्प लिए हैं कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है तो बनाना है। और ये सिर्फ बताइए, बनाना है तो बनाना है, आप लोग ग्राउंड पे कुछ कर रहे हैं कि मतलब महिलाएं इन्फ्लुएंस हों आप लोग, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो आप लोग की क्या तैयारी है इसके लिए? हम लोगों को तैयारी है कि हर वक्त हर वर्ग से लेकर हर जहां पर कोई सड़क का निर्माण नहीं है, जहां पर गाड़ी घोड़ा नहीं जाती है, हम उस घर निचले पायदान से लेकर सभी के घर जाने का और जो समस्याओं को सारे जितने भी हैं महिला से लेकर पुरुष से लेकर सभी लोगों को हम लोग ये बताने का काम करेंगे कि हमारे जो वर्तमान में सरकार है, जो 15 साल सत्ता में रहते हुए भी कि जिस तरह से हम लोगों को ठगा गया है और अत्याचार जो महिलाओं पे ज़्यादा खास करके हुआ है, ये सभी समस्याओं को हम बताने का काम करेंगे और सभी महिला। नमिता जी, एक चीज़ बताया कि जिस तरह से कहा जाता है कि बिहार में, आप लोग सभी से मेरा सवाल है, कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी है और यही वजह है कि शराबबंदी की वजह से महिलाएं नीतीश कुमार जी के साथ हैं, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे शराबबंदी के मसले? शराबबंदी नहीं है, अब तो बहुत ही अच्छा होम डिलीवरी हो रही है इसकी, आप देखेंगे और बहुत ज़्यादा, और एक तरह से कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ये में जो होम डिलीवरी बहुत आसानी से लोगों तक पहुँच जा रहा है। और शराबबंदी एक सिर्फ एक जुमला है, कहा जा रहा है, ज़मीनी स्तर पर देखिए आज भी समाज में हम जगह जाते हैं शराब बहुत इजीली, पहले तो थोड़ी परेशानी भी होती, तब तो होम डिलीवरी है, इजीली अवेलेबल है। आप क्या कहेंगे? मैं गोपालगंज के जिला अध्यक्ष हूँ महिला सेल के, मैं यही कहूँगी कि मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पे जितने भी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लोग हैं सबका एक एक बूथ एक एक पंचायत इस पे हम सभी महिलाओं का मतलब जोरदार मेहनत है कि इस बार 2020 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जहाँ तक शराब की बात है तो ये झूठी अफवाह है कि बंद हुआ है, ये बंद नहीं हुआ है, इस पे कमीशन हो रही है, इसमें होम डिलीवरी हो रहा है, ये सब नीतीश कुमार जी का ये चाल है, बालू और शराब ये सब पे घुसखोरी हो रही है, इसमें कोई बंदी नहीं है। अब 15 साल ही सरकार नाकामी रही है। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं? जी, मैं भी इन लोगों की बातों से सहमत हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि जितनी भी जिला अध्यक्ष हमारी राजद की हो, कोई भी मतलब सभी पदाधिकारी हो, सभी लोग अपने क्षेत्र में भी, जैसे कि ये जो बंदी का बात कहा जा रहा है ये नकारा गया है और इसका तो क्या बोला जाए। आप देख सकते हैं अभी जो उनकी पार्टी हो, जिसने बोला है कि बंद है शराब, उन्हीं की पार्टियों में आए दिन आपको शराब के नशे में धुत पदाधिकारी लोग उनके दिखेंगे डांस करते हुए नाच गाते हुए। मतलब हम महिलाओं को उस पर बोलते हुए भी शर्म आती है कि आए दिन शराब से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो मैं प्रतिमा यादव महिला प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव, मैं यही कहना चाहती हूँ शराबबंदी कुछ नहीं थी, ये एक राजस्व बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका किया गया जिससे इनका राजस्व बढ़ रहा है। राजस्व इसलिए बढ़ रहा है कि ये 200 का हमारा जो 200 है उसको वो 000 में ले जाकर 2000 में वो देते हैं और होम डिलीवरी और ऐसे वैसे होम डिलीवरी कितने लोगों की जान गई है इसमें। और आपने देखा होगा, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट जदयू के कुछ नेता कितना भद्दा प्रदर्शन कर रहे हैं स्टेज पे प्रदर्शन, और कैसे शराब के थ्रू। अरे हम तो नशे में थे, हमको पता नहीं चला, और वो कहाँ से नशा आ रहा है उनका? जब आप शराबबंदी करते हो तो आप शराब की डिलीवरी कहाँ से दे रहे हैं? हाँ, और बड़े लोगों को आप क्यों ऐसा शराब नहीं देते जिससे उनकी जान जाए? अब गरीब गुरबे दबे कुचले लोगों को आप 2 नंबर की शराब दे के उनका जान ले रहे हैं? ऐसा कहीं भी कोई शराबबंदी नहीं है, जो कि ये डबल इंजन की सरकार जो है अपना जो ढोल ढिंढोरा पीट रही है कि मैंने शराबबंदी करके ऐसा कर दिया वैसा, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। चलिए, आप बताइए, आप क्या कहना चाह रही थी शराब को लेकर? जी, मेरा नाम मंजू यादव, प्रदेश महासचिव औरंगाबाद सरघाटी विधानसभा से। मैं शराब के लिए मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ दिखावा है, शराबबंदी एक दिखावा है, शराबबंदी नहीं, शराब बटनी है, बांटी जा रही है, व्यवस्था रूप से बांटी जा रही है। पहले जो था आम पब्लिक के लिए सब लोग खरीदता था, अब ये नीतीश कुमार बांट रहे हैं अपने पदाधिकारियों के द्वारा, और ये दुगने तिगने दामों में वसूली की जा रही है। शराब का एक बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, बड़े पैमाने पर इस पर वसूली की जा रही है, इस पर जो है मतलब ये जो है बहुत ही उनका
जो कदम था निंदनीय पूर्ण है, जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। आप कुछ बोलना चाह रही बहुत देर से। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और लालगंज विधानसभा 124 जहाँ से मुन्ना शुक्ला फाइट करते थे, जो जदयू में विधायक रहा करते थे, अविनाश कुमार शाह हैं जो आज तक अभी तक फील्ड में कुछ काम नहीं हुआ। खास करके मैं प्रोफेसर कॉलेज में हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन फील्ड में इतना चीटिंगबाजी हो रहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से न जाने वो गवर्नर भी यहाँ यूपी के आए हैं और VC भी यूपी के हैं, और क्या हम लोग के बिहार में टैलेंट की कमी है क्या? इतने टैलेंट रहते हुए भी हम लोग यहाँ के VC नहीं बनाए जा रहे हैं। और शराब बंद है कि नहीं? शराब कहाँ बंद है, शराब तो ऑलरेडी घर में पहुँचाया जा रहा है, 1 का 4 रुपये उसको बढ़ा के और महिलाओं को जो है और पॉकेट ढीला कर दिया गया है। उसका जो भी पीने वाला हस्बैंड हो चाहे जो भी हो, वो 1 या 2 रुपये में ज़्यादा बढ़ा के लिया जा रहा है। बंद कहाँ है, वो तो चालू है। वो तो नीतीश कुमार के जो विधायक है वो तो दारू पीपी के स्टेज पर लड़की लोग के साथ डांस किया करते, जो वीडियो वायरल हम लोग खुद फेसबुक पर कर रहे हैं, उसका आईडी पर हम लोग कर रहे हैं। बोल रहे हैं शराब बंद नहीं हुआ है, शराब होम डिलीवरी के तौर पे हर जगह बिक रहा है, लचर व्यवस्था है, न सड़क है, न शिक्षा है, कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार कह के सारी अर्थव्यवस्था को गड़बड़ा रही है, गरीब लोगों को बरगला रही है, सब गरीब लोगों को बरगला रही है नीतीश सरकार। तेजस्वी यादव को महिलाएं वोट नहीं करती है, नीतीश जी को अच्छा मानती है कि शराब पे पाबंदी लगा दी? नहीं, अगर तेजस्वी जी को महिला लोग सपोर्ट नहीं करे तो कहाँ से इतना महिला विंग्स आई है? नहीं, बिहार के हर कोना से आई है महिला। हम लोग सुबह से यहाँ पे आने के लिए हम महिलाओं के लिए सोचा है, हमेशा महिलाओं के लिए सोची है, जिन्होंने बिहार की पहली मुख्यमंत्री महिला बनाया आदरणीय। अभी जब विधानसभा के चुनाव होंगे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं? एकदम बनेंगे। महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका हो? महिलाओं की हम जो आधी आबादी है उसकी अहम भूमिका होने जा रही है इस बार, और इस बार की महिलाएं क्योंकि आप देश हर महिला सपोर्ट करेगी, हर वर्ग की महिला सपोर्ट करेगी, बिहार के कोना कोना से सपोर्ट होगा तेजस्वी जी का। और हाँ, डबल इंजन की सरकार जो है वो फाइल इंजन की सरकार है, कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है।